अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज़ आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ ये 12 रबी अव्वल की वीडियो है जो कि मुझसे लेट हो गई, मैंने बनाई थी तो आपके साथ शेयर करने में देर हो गई गाइज़, इसके लिए क्योंकि हुरैन की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो फिर ऑब्वियसली मुझे वहाँ पर मेरा पहला ध्यान तो वहीं पर ही जाएगा, तो मैं उसके ही लिए परेशान थी, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की। देन मैंने सोचा चलो अब बना ली हूँ तो शेयर करती हूँ, इतनी अच्छी वीडियो है और फिर उसके बाद ये भी एक याद हो जाएगी 12 रबी अव्वल की, जो मैंने पिछले साल 12 रबी अव्वल मनाया था और जो मैंने ये साल 12 रबी अव्वल मनाया, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप गेस देख सकते हो गाइस कि ये सुबह का वक्त है, सादिक का वक्त, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त है ये। तो जैसे ये वक्त हुआ ना गाइस, तो अचानक से ना इतनी आवाज़ें आने लगी, पटाखों की, बम की, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। तो जिससे ना ये साइन मिल रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं, वो तो कई साल पहले ही मतलब आ चुके हैं दुनिया में, बट गाइस ये जो एक वक्त है ना उनकी पैदाइश का, ये एक वक्त मतलब अब जैसे हम उनकी विलादत, जश्न विलादत मना रहे हैं, तो जब उनकी विलादत का वक्त आया तो इतनी पटाखे, इतने मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ और मैं आपको इस वीडियो में सुना नहीं सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कॉपीराइट या क्लेम ऐसा कुछ आ जाएगा, तो वो ठीक नहीं। इसके लिए मैंने सारी आवाज़ें म्यूट कर दी। इतनी शोर हो रही थी सुबह के वक्त की, मतलब बहुत अच्छी, मतलब फीलिंग जो है ना बहुत अच्छी आ रही थी, और कहीं ना कहीं वो घर मेरे दिल में एक फीलिंग थी ना कि मतलब हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता, तो एकदम अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी जगह पे हैं और यहाँ पर भर भर के सुन्नी है, जहाँ पर सुन्नियत की निशानी दी जाती है वक्तन फक्तन, तो यहाँ पर ये वही वक्त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं, अब उसके बाद हमारी तैयारी हो रही है उनकी नियाज़ के लिए, और यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही हूँ नियाज़ के लिए खोपरे की मिठाई, जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी टू मेक है। तो यहाँ पर मतलब आपके पास आधा घंटा है ना, तो आप आराम से बना सकते हो ये मिठाई, और कोई अचानक से आ गया, आपके पास सामान अवेलेबल है, तो भी आप बहुत आसानी से, बहुत इजी से बना लेते। अगर मैं मिठाई बनाती, खीर पूरी बनाती, तो मुझे रात से ही लगना पड़ता, बट ये मैं उठी हूँ फटाफट, हमने उठ के और हाथ मुँह धो के अपना फिर हम यहाँ पर बैठ गए मिठाई बनाने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, मैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स, खोपरा पाउडर है, कंडेंस मिल्क है, और ये ऑप्शनल है, कलर फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है, अदरवाइज़ इसके पहले मैंने बनाया है तो उसमें मैंने किसी भी कलर का यूज़ नहीं किया है और ना मैंने टूटी फ्रूटी का यूज़ किया, बट आज मैंने हमेशा लड्डू बनाए, तो आज मुझे बनाना था मिठाई मतलब पेड़े शेप में, तो मैंने सोचा चलो ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी लेते हैं, और ग्रीन कलर का मैंने कलर भी मिक्स किया ड्राई में, क्योंकि वो जो ऊपर से एक ड्राई कोटिंग होगी उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, मैंने कंडेंस मिल्क को खोपरे पाउडर के अंदर डाल दिया, ये आधा किलो खोपरा पाउडर है, और मेरे पास दो कंडेंस मिल्क का डब्बा था, जो एक 400 ग्राम का था और एक शायद 200 ग्राम का था, मतलब एक बड़ा एक छोटा, तो मैंने सेफ्टी के लिए दोनों मंगवा लिया था कि मतलब अगर बचेगा तो ठीक है। और ये जो मेरा है ना मिल्क मेड का है, यहाँ पर हमें अच्छे से मिक्स करना है मिल्क मेड और खोपरा पाउडर को ना अच्छे से मिक्स करना है कि मतलब सब कोट हो जाए, आप जिसे देख रहे गए। अब इसके बाद आप इसे अपने मनपसंद शेप में बना लीजिए, या तो बर्फ़ी में बना लीजिए, पेड़ा बना लीजिए, या फिर आप लड्डू बना लीजिए। लड्डू तो मैं हमेशा ही बनाती थी, बट आज मैंने सोचा चलो थोड़ा अलग करते, क्योंकि मैं टूटी फ्रूटी लाई थी, तो लड्डू में टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कहाँ पर होता, ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी थी, तो इसके लिए मैंने पेड़े शेप में बनाया। और फिर इन्होंने ना अपने फ्रेंड को कॉल की कि मतलब अभी नियाज में कितना टाइम बाकी है, तो उसने कहा कि अभी सिर्फ 20 मिनट बाकी है, तो हमारे पास टाइम नहीं था, तो फिर हम दोनों ही मतलब मेरे साथ ये भी लग गए फटाफट नियाज बनाने में कि फटाफट हो जाए, अब इतनी सुबह में हम इतना मतलब ये नियाज हमसे मिस नहीं होनी चाहिए, तो हम फटाफट बनाने लग गए। और ये जो आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम फॉइल में ये रैप करे, रैपिंग की वजह ये थी गाइस
क्योंकि हमें इसको रखना था रेफ्रिजरेटर में एटलीस्ट आधे घंटे के लिए कि ये सेट हो जाए, बट हमारे पास टाइम नहीं था। तो हमने एक एक पीस को एक एक एल्युमिनियम फॉइल में रैप किया कि कम से कम ये इसमें ठीक रहेगा। और ये ऐसा भी नहीं था कि टूट टूट जा रहा था, इतना भी सॉफ्ट ये नहीं था, बट फिर भी अगर हम इसको फ्रिज में रखते तो थोड़ा अच्छा ये सेट हो जाता। तो फ्रिज में रखने का टाइम नहीं था, तो हमने क्या किया कि इसको फटाफट एल्युमिनियम फॉइल में रैप बनाते गई और ये रैप करते गए, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आते ही जा रहा था। और दिल में ये डर था कि कहीं नियाज हो ना जाए, कहीं नियाज हो ना जाए। तो फिर यहाँ पर ये फटाफट हमने मिल के बनाया। और गाइज ये जो ग्रीन कलर मैंने ड्राई मिक्स में डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, आपके पास कोई और कलर है तो वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने बस ऐसे ही मेरा मन चाहा कि हरा हरा कुछ हो, तो फिर इसीलिए मैंने इसमें हरा हरा ये डाल दिया कलर। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा बन के आराम से रेडी हो गया था नियाज के पहले, ये ग्रीन कलर का टूटी फूटी, और बना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आप एक बार ट्राई करना, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए ना गाइस, तो मेरे पास थोड़ा सा खोपरा पाउडर बचा हुआ है, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो यहाँ पर नियाज हो गई, सब कुछ हो गया। अब ये सुबह का टाइम है गाइस, आप देख सकते हो मेरी खिड़की पर। तो आप बताओ ये क्या है, पत्ती है ना गाइस? देखो अचानक से पेड़ निकल गया मेरी खिड़की में, हाँ मैंने देखा भी नहीं और अचानक से निकल गया है ना गाइस। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना गाइस, क्योंकि सुबह का टाइम तो अचानक से ना धूप एकदम कड़क हो गई, तो मैंने सोचा जो कपड़े धोए हैं लाओ मैं खिड़की पर डाल देती हूँ, थोड़े थोड़े करके सूख जाएंगे, क्योंकि मेरी खिड़की थोड़ी सी छोटी है, बट अल्लाह का शुक्र है कि काम चल जाता है। फिर जब मैंने खिड़की खोली ना, तो अचानक से ना मुझे पत्तियाँ दिखने लगी, तो मैंने सोचा कि ये पत्ती कहाँ से आ गई, मतलब एक पेड़ भी रहता है, मतलब एक पौधा छोटा से भी रहेगा तो वो दिखेगा ना कि हाँ वो निकल रहा है, फिर आज थोड़ा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, ये अचानक से इतना बड़ा कहाँ से आ गया। तो मैं घबरा गई, एकदम ग्रीन, तो मुझे ऐसा लगा इतनी कड़क धूप में इतने हरे पत्ते। फिर मैंने ना जब गौर से इसको देखा ना, तो ये एक इंसेक्ट था, शायद कुछ ग्रास का ये होगा, जो कि हमेशा ना मैं टीवियों पर इसे देखती थी और YouTube पे भी कभी कभी दिखा देता है कुछ अल्लाह की कुदरत पे उस पर, या कुछ आप यकीन नहीं मानोगे ऐसा टाइटल देके। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि एनिमेटेड है ये, खाली एक व्यू खींचने के लिए ना वो लोग बनाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता है। बट आज जब मैंने उसको अपनी विंडो पे देखा ना, तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ ये अल्लाह की कुदरत है। गाइज़ ये हमारी ही खिड़की पर आके बैठा, क्योंकि सबसे ज़्यादा झंडा मेरी खिड़की पर लगा था, पहले हमने दो झंडा लगाया था, उसके बाद जो लास्ट ईयर का झंडा, तीन झंडा बचा था हमारे पास, तो हमने एक दिन पहले ना उस झंडे को भी हमने बांध दिया था, तो शायद वो ग्रीन ग्रीन देख के हमारी खिड़की पे आके बैठा, तो बहुत अच्छा लगा। अब गाइज आप बोलोगे कि ये इसको ग्रीन ग्रीन देख के बोली, तो मैं अच्छा सोच के बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसे जानवर को देखा नहीं, और ये आया था हमारी विंडो पर, तो इसने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया नहीं, मेरे घर में किसी को कोई नुकसान पहुंचाया नहीं, तो क्या पता ये किसी अच्छी चीज़ की अलामत हो इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जब हम अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा होगा, और हम बुरा सोचेंगे ना तो बुरा होगा। ये गाइज़ आप यकीन नहीं मानोगी, ये सुबह 7:30-8 बजे मैंने इसको विंडो पर देखा था, और आप यकीन मानो गाइज़ ये मेरी विंडो पर दोपहर के 1 बजे तक था, ये उसी जगह पे था, बस थोड़ा सा 1-2 इंच इधर उधर कभी हो जा रहा था, या जैसे आप देख रहे हो इसकी टांग हिल रही है। तो ये इतने टाइम तक मेरी खिड़की पे था, तब तक मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए अपनी खिड़की पे कि इसको कुछ मतलब ये उड़ ना जाए, मुझे भी ये डर था कि ये उड़ ना जाए, ये रहे मेरी खिड़की पे। तो जब फिर अचानक से मैंने फिर विंडो खोला तो ये गायब था, मैंने पूरी विंडो घुमा घुमा के आके देखी कि कहीं तो दिख जाए, मगर ये नहीं था, बेचारा चला गया था। तो ये 12 रबीउल के दिन गाइस हमारी खिड़की पे आया, क्या पता ये अल्लाह पाक की कोई अच्छी अलामत हो, क्योंकि अल्लाह पाक भी हदीस में फरमाते हैं कि अगर हम अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो, मतलब अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो और अल्लाह के ऊपर छोड़ दो कि मैंने ये अल्लाह के सुपुर्द किया, अब अल्लाह चाहे मेरे लिए बेहतर करे, और अल्लाह चाहेगा अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई अच्छी मर्ज़ी होगी शामिल, वो सोच के अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया।
अब यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि मेरा शाम का वक्त है, शाम में 5 बज रहा है और मेरी यहाँ पर चिकन और मटन बिरयानी बनके तैयार है। इसमें दोनों मिक्स है। शाम के 5 इसके लिए बजे गए क्योंकि मैं सबको वीडियो कॉल कर करके ना वो इंसेक्ट दिखा रही थी अपनी खिड़की पे कि देखो मेरी खिड़की पे क्या बैठा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बच्चे का चेहरा उतरा हुआ है, ये दूध भी नहीं पी रही है, बोरी मुझे पसंद नहीं है। तो इसको ये था कि बस हम कब जाएंगे ईद मनाने, हम कब जाएंगे। तो इसके डैडी ने कॉल की कि मतलब तुम माँ बेटी तैयार हो जाओ और मैं आ रहा हूँ, फिर हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, हुरेन नहा लिए और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं इसी हाल में जाऊँगी क्योंकि मैं नकाब में रहूँगी। इसके बाद अगर ये इंसिस्ट किए ज़्यादा तो मुझे भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैंने बाप बेटी के कपड़े को आयरन करके टांग दिया है कि बस ये आएंगे और दोनों फटाफट चेंज कर लेंगे और हम चलेंगे। तो यहाँ पर मैं रेडी हूँ, मेरा ये सिंपल सा मेकअप जो कि मोस्टली मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है। और पसंद तो एक तरफ वो भी बात अलग है क्योंकि मेरे चेहरे पर पसीना बहुत आता है तो वो पूरा ना लग जाता है, मतलब निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज़ ये हम 12 रबी ओवल के लिए जुलूस में, मतलब जुलूस जैसा है, हम निकल चुके हैं। और यहाँ पर अयाज कह रहे थे कि अभी 1 घंटा पहले तक इतनी भीड़ थी कि शिवाजी नगर से जाफरी तक आने में मुझे 1 घंटा लग गया, नहीं तो मैं 1 घंटा पहले ही आ जाता। अभी तो ये थोड़ा चलने लायक रास्ता बन चुका है, इतनी भीड़ थी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर भर भर के सुन्नी है और ये सुन्नीत की पहचान है, मतलब हर चीज़, मतलब जब वो मनाते हैं तो भाई जलने वाले जलते रहे, हम तो मनाएंगे। 12 रबीउल भी मनाएंगे, आला हज़रत का उरुस भी मनाएंगे, अभी गौस पाक का भी आएगा तो हम गौस पाक की भी नियाज भर भर के करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।